15 बोल देना ऑन द रैंप। हर इंडिपेंडेंट, हर इंडिपेंडेंट फिल्म की जो जर्नी होती है वो एक अपने तरह की जर्नी होती है, अपने तरह की अड़चने आती हैं, अपने तरह के चैलेंजेस होते हैं, और उसी तरह ऑन द रैंप की भी जो जर्नी रही है बिल्कुल जो एक इंडिपेंडेंट फिल्म की होती है, बहुत ऑड्स के अगेंस्ट लड़ना पड़ा है, बहुत तो मुश्किलात सहने पड़े हैं रास्ते में, बट फाइनली उम्मीद है कि अब जनता फाइनली फिल्म देखेगी। एटलीस्ट गाने तो आपको पता है आज रिलीज़ हो रहे हैं, आज म्यूजिक रिलीज़ हो गया, और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म का म्यूज़िक एक्सेप्शनल है, बहुत बढ़िया म्यूज़िक है। मुझे बहुत कम फिल्में मिलती हैं जिनमें मुझे म्यूज़िक मिलता है या लिपसिंग करने का या डांस करने का मौका मिलता है, बड़े अरसे के बाद मुझे ये मौका मिला है, तो मैंने बिल्कुल कहते हैं ना टूट टूट पड़ा हूँ मैं। तो प्लीज़ आप लोग जी की साइट पर देखें, गाने भी शायद रिलीज़ होंगे तो उसके सॉरी टी सीरीज़ पे देखिए, टी सीरीज़ की वेबसाइट पे गाने भी रिलीज़ होंगे, तो शायद मेरा एक आधा डांस भी देखना आपको मिल जाए, उसके बाद सरदर्द की गोलियाँ खा के आप सो जाइए, बट प्लीज़ देखिएगा। हम सब ने ही बहुत मेहनत की है, खास करके मैं कहना चाहूँगा इमरान एंड राजीव सर ने बहुत मेहनत के साथ ये फिल्म बनाई है, बहुत चीज़ें झेल कर। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट, आई विश ऑल ऑफ अस ऑल द बेस्ट, एंड आई होप आप सब प्लीज़ सराहेंगे इस फिल्म को। थैंक यू। मेरा परसेप्शन फैशन की दुनिया के बारे में वही है जो आई थिंक हर पूरी जनता का परसेप्शन है कि बहुत ही ग्लैमरस वर्ल्ड है, काफ़ी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, क्रिएटिव बिजनेस है, मनी है, फेम है, ग्लैमर है, हार्डशिप्स भी हैं, तो आई थिंक मेरे भी परसेप्शन वही है जो आप सबका है, और मेरे पास कोई ऐसी खास इंसाइट नहीं है फैशन की दुनिया के बारे में, अगर वो आप पूछ रहे हैं तो। जो हमारी फिल्म भी है ऑन द रैंप वो भी इन्हीं चीज़ों पर आधारित है, जो हार्डशिप्स होती हैं या जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इन्हीं पर बेस्ड है ऑन द रैंप। सर ये भी जानना चाहूँगा कि अभी जितना भी आपका कैरियर रहा है काफ़ी बेहतरीन फिल्मों में काम किया, बेहतरीन अभिनय किया आपने, ऑफबीट फिल्म हो या कमर्शियल फिल्म हो, अभी के दौर में क्या आपका क्राइटेरिया रहता है कोई फिल्म सिलेक्शन का, अगर होता आपको तो? देखिए मैंने हमेशा यही कहा है, मेरा एक 3-tier सिस्टम होता है फिल्म सिलेक्ट करने का। सबसे पहले स्क्रिप्ट, फिल्म की कहानी क्या है, मुझे पसंद है, क्या मेरी ऑडियंस को पसंद आएगी। दूसरा होता है मेरा रोल क्या है, क्या मैं वो रोल कर सकूंगा, करना चाहूंगा। इस फिल्म में तो मेरा लीड रोल है जो कि मुझे बहुत कम मिलते हैं, तो उसमें तो सवाल ही नहीं होता, लीड रोल होता है तो मेरे पहले अंगूठे दोनों खड़े हो जाते हैं। हालांकि फिल्म की कहानी भी बहुत बढ़िया है, स्क्रीन प्ले भी अच्छा है, और लास्ट जो मेरा क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि फिल्म के जो निर्देशक हैं डायरेक्टर उनके साथ मेरा जो कॉमन एक मैं उनके नज़रिए से फिल्म देख पा रहा हूँ कि नहीं, उनके साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा है, क्या एक अच्छा रिलेशनशिप है, ट्रस्ट है, रिलेशनशिप है, अफेक्शन है, प्यार है, मोहब्बत है, इसीलिए जैसे इमरान भाई के साथ मेरी बहुत मोहब्बत है। और बिल्कुल करते हैं, फिल्म देखो ना, कौन बोला नहीं करते हैं, मैं बता रहा हूं एक बात, बिल्कुल एक्शन भी करते हैं, डांस भी करते हैं, गलत अफवाह मत फैलाओ यार। सर ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी करते हैं जो रियल एक्टिंग आपका हो, आपका कितना जस्टिस मिल पाया प्रोड्यूसर के साइड से, जो भी आपका एक्टिंग टैलेंट है, फिर से पूछिए सर, समझ में नहीं आया, कितना जस्टिस मिल पाया है इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर साइड से, डायरेक्टर साइड से, जो भी आपका एक्टिंग टैलेंट है? नहीं, जस्टिस मतलब अब इसमें कोई ऐसा लिख के तो कोई लाता नहीं है कि इसको इतना मिलना है, उसको इतना मिलना है ना, तो मतलब मैंने जो आई थिंक मेरे टैलेंट के हिसाब से, मेरी मेहनत के हिसाब से मुझे मिल रहा होगा। ये कहना बहुत ही मतलब मुनासिब नहीं होगा कि मैं कहूँ कि नहीं मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे पास आज जो भी है वो ये इंडस्ट्री से ही मिला है मुझे। ज़्यादा क्या मैं ज़्यादा चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ, कौन नहीं चाहता। बट व्हेन यू पार्ट ऑफ ऑफबीट सिनेमा, क्या करना चाहिए, कमर्शियल साइड उसमें नहीं होता है, तो वो करना कितना ज़्यादा मतलब चैलेंज? देखिए कमर्शियल फिल्म्स में मैंने काफ़ी बार कोशिश की है, मैंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में भी मैंने रोल्स किए हैं, लीड रोल्स नहीं बट एटलीस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट रोल्स किए हैं। मैं ये
पहले भी कह चुका हूँ, मैं एक बहुत इंडिपेंडेंट किस्म का मेरा करियर रहा है। मेरे कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं है किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ या किसी बड़ी फिल्मी हस्ती के साथ या प्रोडक्शन हाउस के साथ, के मुझे कोई स्पेशल यू नो ब्रेक्स मिली हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। तो मुझे कहते हैं ना, जो रगड़ा खाके ही काम मैंने किया है, तो उस दौरान मुझे मिले हैं लीड रोल्स, बट जैसा आप कह रहे हैं मेन स्ट्रीम लीड रोल्स से शायद उतने मौके नहीं मिले हैं, मुझे कम ही मौके मिले हैं। बट आई एम श्योर मेरे से भी बदतर लोग हैं जिनको उतने मौके भी नहीं मिले हैं। राजी साहब, आपने जब क्या कहते हैं रणवीर सर के बारे में, टैलेंटेड एक्टर को अपने कास्ट के, अपने मेरी खुशनसीबी और क्या कहते हैं एज एन एक्टर उनके बारे में, आप कितना फॉलो किए? बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर। उनके एक्टिंग के बारे में कुछ बताइए कि ऐसा क्या खास नजर आया आपको अभी तक जो भी आपने फिल्में देखी होंगी? ये रोल ये रोल के कोर तक अंदर घुसते हैं। बहुत डीप एक्टर। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग क्या करना चाहेंगे? ह्यूमन बीइंग वेरी सपोर्टिव। सर आपसे ना, आप क्या करना चाहेंगे स्टूडेंट के बारे में और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में? मुझे भेज के पूछ लिया करो यार, मेरे सामने क्या बोलेंगे। हमने स्क्रिप्ट जब बना ली थी तो ये थोड़ी सी स्लाइटली ऑफ बीट है, तो फिर हमने लिस्ट निकाली कि क्योंकि हम हमारा इतना बजट नहीं था कि कोई बहुत बड़ा हम स्टार लेके आए, बट वी वांटेड अ फैंटास्टिक एक्टर फॉर दैट रोल। तो हमने वो पूरा जो है उसका एनालिसिस किया और फिर हमको लगा कि रणवीर विल फिट द बिल एग्जैक्टली। तो याद रखिए, जहाँ बजट नहीं होता वहाँ रणवीर शोरी, वहाँ रणवीर शोरी होता है। नो एंड ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। और दूसरी चीज़ कि फिल्म बनाने में रणवीर का हमको फुल सपोर्ट मिला सारे डिपार्टमेंट्स में, कहीं पे भी ही वॉज नेवर अ रोड ब्लॉक, ही वॉज ऑलवेज एन एक्सलरेटर। जहाँ जहाँ हमको थोड़ी प्रॉब्लम्स आई या कुछ भी आया, ही वॉज ऑलवेज देयर, ही वॉज पार्ट ऑफ द फिल्म ऑलवेज, ही नेवर डिटैच्ड हिमसेल्फ। और इसलिए आई एम वेरी थैंकफुल टू रणवीर ऑल्सो के ही हैज हेल्प्ड इन द मेकिंग ऑफ द फिल्म। ऊपर वाले की देन है भाई, जो हम जैसे जो बेरोजगार हैं उनकी प्रार्थना सुन ली ऊपर वाले ने और एक नई टेक्नोलॉजी बना के एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है। सर देखिए, मैं आपको एक, ये मुझे बहुत लोग आजकल पूछते हैं, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। आपकी उम्र लगभग मेरे से थोड़ी छोटी होगी शायद, तो जब हम लोग, आपको याद होगा, छोटे थे तो सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, ठीक है। तो जब दूरदर्शन के बाद जब बाकी चैनल्स आए तो सबको लगता था कि यार दूरदर्शन अब कौन देखेगा, फिर भी लोग दूरदर्शन देखते हैं अभी भी। जो रूरल एरियाज में वगैरह में आप देखेंगे दूरदर्शन बहुत बढ़िया चलता है, अभी भी उसकी रीच बहुत है। फिर बड़े चैनल्स आ गए उसके बाद में, अब यू नो अब तो उसको अब के वेब सीरीज, अब एक और प्लेटफॉर्म आ गया जहाँ पर और भी ज़्यादा। तो आई डोंट थिंक कोई चीज़ हट जाती है, आई थिंक वही होगा कि समय के साथ साथ, प्रगति के साथ साथ हमारे जो चॉइसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो वो अच्छी बात है मैं समझता हूँ, क्योंकि वो उसमें फाइनली जो कंटेंट इज किंग विल बी द फाइनल रूल। बिकॉज जब बहुत सारे चैनल्स भी हो गए थे तब भी आपको पता है हम लोग क्या करते हैं कि नहीं ये चैनल पे ये शो अच्छा है, ये चैनल पे ये शो अच्छा है। तो मैं मानता हूँ उसी तरह वेब सीरीज़ पर भी यही होगा, वेब प्लेटफॉर्म्स पे भी, कि ये प्लेटफॉर्म पे ये शो अच्छा है देखो, ये प्लेटफॉर्म पे ये शो अच्छा है देखो। फाइनली कंटेंट विल विन, ये मैं मानता हूँ। एंड बिसाइड्स रैम, और कौन ऐसे प्रोजेक्ट जो मतलब काम कर रहे हैं यार दिल के करीब? तो अभी पीछे ही बहुत दिल के करीब मेरी एक पिक्चर गई है, तो अभी मैं दिल को थोड़ा संभाल के रख रहा हूँ फिलहाल। वो सोन चिड़िया की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब थी, लेकिन उसको जिस तरह का प्यार मोहब्बत मिलनी चाहिए थी वो मेरे हिसाब से मिली नहीं। अभी पिक्चर आई थी आपकी मो माया मनी, तो काफ़ी टाइम हो गया भाई, अभी देखी। यही होता है वेब प्लेटफॉर्म पे डीमोनेटाइजेशन क्या है? अब इलेक्शन पे बनाओ पिक्चर, क्या मतलब है? कौन सी पिक्चर भाई? ये पिक्चर, इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, फैशन पे दिल बेस्ड है। चलिए से फिल्म बता रणवीर जी,
आपने अपने फिल्मी कैरियर में कितनी फिल्में की है, उससे आप किस फिल्म को कितना एक्सेप्टेड देखते हैं, इसमें क्या आप होप करते हैं कि क्या ऑडियंस को पसंद है? मैं यही कहूंगा कि ये फिल्म जो जितनी भी मैंने फिल्में करी हैं उसकी एक बहुत स्पेशल कैटेगरी है, जिसमें बहुत चंद फिल्में हैं, ये फिल्म उस कैटेगरी में वो है जिन फिल्मों में मैंने डांस किया है। सो ये बहुत कम फिल्मों की कैटेगरी में है, बट इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप जब फिल्म देखेंगे बस मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ये भी सुपरहिट हो जाए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच। ऑन द रैम्प इज अ वेरी गुड मूवी एंड जैसे आपने ट्रेलर देखा अभी, इट्स वेरी एक्साइटिंग मूवी एंड यू नो इट्स ऑन फैशन, सो आफ्टर लॉन्ग टाइम सम मूवीज कमिंग ऑन फैशन, सो आई होप एवरीबॉडी लाइक इट। वेल म्यूजिक अच्छा है, मूवी अच्छी लग रही है, सो द मेन रीजन इज दैट। या इसमें चैलेंज तो कुछ नहीं है, इट्स अ मूवी, सो यू हैव टू शो टू द पीपल, यू हैव टू टेक इट टू द थिएटर, सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। बट नॉट इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जो होती है फिल्म उसका क्या ऑर्गेनाइज तरीका ज़्यादा अच्छा हुआ है? It's very much organized. It's very easy to deal with the people who are very professional. So now it become very easy for us. No, our movie is not like that. I will we'll get the support from the government, but we can do it. Thank you.